Hello, Watchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher and Bacha Party. I hope आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है, वो तो चल रही होगी, but I know board exam में बैठने से पहले ना हर बच्चे के दिमाग में एक ना एक बार ये सवाल जरूर आता है कि यार board की चीजें आखिर होती कैसी है, lenient होती है, difficult होती है, यार कैसे नंबर आ सकते हैं वहां पे। तो कोई नहीं, ये सारे के सारे सवालों का जवाब ना हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। बट इस सवाल का जवाब जानने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवालों के आपको सही जवाब मिल सके, साथ ही साथ आप अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स। चलिए लेट्स यू नो जस्ट कम डाउन टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, दैट इज बोर्ड चेकिंग लीनियंट और डिफिकल्ट। नाउ बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू गाइस। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सीबीएसई ने आपके लिए सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए थे 2023-2024 के लिए, इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन इटसेल्फ। प्लस आपके लिए कुछ एडिशनल पेपर्स भी रिलीज करे गए हैं और हर सैंपल पेपर एडिशनल पेपर के साथ आपके लिए एक मार्किंग स्कीम भी दी गई है हर सब्जेक्ट के लिए। तो आपके लिए बोर्ड चेकिंग पे सब फोकस करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पहले उस मार्किंग स्कीम को देखें ताकि आप उन फैक्टर्स पर ध्यान दे सको जब से वो आपके कंट्रोल में है, जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं डायरेक्टली। बिकॉज अगर आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की मार्किंग स्कीम पता होगी कि जैसे इंग्लिश में कंटेंट के कितने मार्क्स हैं, वोकैबुलरी के कितने मार्क्स हैं, ग्रामर के कितने मार्क्स हैं, तो आपको इतना पता होगा कि जिस लेवल का मैं क्वेश्चन लिखकर आया हूँ, आंसर लिखकर आई हूँ, मुझे उतने नंबर तो एटलीस्ट मिल जाने चाहिए एज पर द मार्किंग। बिकॉज ऐसे ही मार्किंग स्कीम डिपेंडिंग आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनर को दी जाती है। एंड जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं इनको ऑलमोस्ट 2 महीने लगते हैं आपकी चेकिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट टीचर्स, दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अराउंड इंडिया एंड उनको फिर यू नो कॉपीज दी जाती है उनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। And let me tell you कि इनको 6 से 7 घंटे तक 2 महीने तक लगातार मल्टीपल कॉपीज हर रोज दी जाती है, अप्रॉक्सिमेटली 40-50 कॉपीज ईच दी जाती है और उन्हें वो कॉपीज चेक भी करती है। सो यू अंडरस्टैंड दैट यू नो हर इंडिविजुअल टीचर के पास हर कॉपी पर फोकस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सो एग्जामिनर आपकी कॉपीज में इतना ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, ठीक है। सो आपका आंसर, ठीक है, आप सही लिखो गलत लिखो उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप अपने आंसर को प्रेजेंटेबल जरूर करो। बिकॉज आपके एग्जामिनर के लिए अगर आपकी आंसर शीट को रीड करना आसान है ना, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप अच्छे मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड इट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ केसेस जहां पे कई बार बच्चों को ना उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज्यादा मिल जाए और उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम मिल जाए। This happens rarely it happens with me as well, ठीक है। मेरे साथ बोर्ड एग्जाम में ये हुआ था कि मुझे अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स से काफी ज्यादा मिल गए थे। तो यस, सम वे यू कैन हैव अ फील दैट यू नो द मार्किंग द बोर्ड चेकिंग इज नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टू कीप वन अदर एस्पेक्ट इन माइंड कि बोर्ड्स जो हैं हर साल हजारों बच्चे देते हैं एंड स्टिल जो रेशियो रहता है पास टू फेल का उसमें बहुत अंतर होता है कि रेयरली कुछ बच्चे होते हैं जो 10th क्लास के बोर्ड्स में भी फेल। सो बोर्ड का माइंडसेट क्या है कि उसे आपको पास करना है, तो अगर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चेकिंग करेंगे सो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके जो है मार्क्स अच्छे आए या काफी सारे बच्चे पास भी हो पाए। सो उनका माइंडसेट यही रहता है कि एक नॉर्मल चेकिंग करी जाए। अगर आपने हद ही गलत आंसर लिखा है तो ऑब्वियसली आपको एग्जामिनर मार्क्स तो दे नहीं पाएगा। सो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड तो वहां पर लिखकर जरूर आना पड़ेगा ताकि आप कुछ ना कुछ एटलीस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओ। बिकॉज हर एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि एटलीस्ट वो उस बच्चे को पास करा सके। नो वन सिट्स यू नो चेकिंग योर कॉपी विद द माइंडसेट कि यार उसको आपको फेल ही करवाना। एंड दैट ऑल्सो डजंट हैपन कि टीचर आपको फेवर करने के लिए बैठा हो कि हाँ कोई नहीं तो मैं तो उसके गलत आंसर भी सही कर दूंगा या कंप्लीट लिखा है तो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। एटमोस्ट वो ये करते हैं कि आपके कुछ मिस्टेक्स वगैरह को जहाँ पे आधे एक नंबर उन्हें आप काटने या एक्स्ट्रा है उसे नहीं काटेंगे, ठीक है। या अगर आप फेल हो रहे हो, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे एंड स्टिल आपने मतलब कुछ ना कुछ लिखा है टॉपिक से रिलेटेड, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि एटलीस्ट बच्चा कहीं काफी हद तक पास तो हो जाए, एटलीस्ट इतना तो हो जाए बच्चे के, ठीक है। सो यू कैन जस्ट यू नो हैव दिस बर्डन ऑफ फ्रॉम योर हेड कि आपकी जो बोर्ड की चेकिंग होने वाली है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा लीनियंट होने वाली है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर यू नो एग्जाम पेपर द आंसर शीट इट लुक्स प्रेजेंटेबल एंड इवन इफ यू डोंट नो द आंसर यू हैव रिटन समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक ताकि एटलीस्ट एग्जामिनर को थोड़ा बहुत कहीं पर स्कोप मिल सके कि वो आपको नंबर दे सके।
And at the end of the day, if you know the topic, if you had studied your subjects thoroughly, ठीक है, आपको सारे के सारे आंसर्स आते हैं, so you don't need to fear. ठीक है, लेट्स जस्ट स्टॉप डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, कि आपकी चेकिंग डिफिकल्ट होगी, आसान होगी, पेपर आसान आएगा, मुश्किल आएगा. लेट्स फोकस ऑन द फैक्टर्स दैट वी कैन एक्चुअली कंट्रोल. आप इस टाइम पर अपने यहाँ पर अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो, मेक श्योर कर सकते हो कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स हैं डिफिकल्ट हैं, उन पर आप ज्यादा फोकस करो, सो दैट आप अपनी तरफ से तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको ना. ठीक है, सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट. उसके फोकस करने के लिए आपके वेदांतों का चैनल बैठा तो है, सारे के सारे टीचर्स बैठे तो हैं, ठीक है, एंड आई एम मेकिंग श्योर एवरी सिंगल डे कि आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कटे. ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करते. एंड अगर आपको बच्चा पार्टी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, पीटीएस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो अहेड जॉइन अवर कम्युनिटी ओवर देयर. एंड इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, कुछ और बातचीत करनी है, इशू रिजॉल्व कराना है, सो दिस इज वेयर यू कैन फाइंड. And let me tell you one more thing. Your teachers have started individual shorts channel. जहाँ पे वो हर subject से related shorts डाल रहे हैं. English का भी एक individual short channel है जहाँ पे हर हफ्ते I put up shorts to help you with your grammar, vocab, and what not. So make sure to check out those channels as well. And if you found this video helpful, make sure you hit the like button, share this video out with your friends, and subscribe to the channel if you have. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.